इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेस एंड द मोस्ट मुर्सफुल माई डर स्टूडेंट इज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू होप यू आर वेल सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास सिकस्थ टॉपिक रि यूजिंग देश पेज नंबर सेवेंटी फोर प्यारे बच्चों आज हमने पेज नंबर सेवेंटी फोर पढ़ना है तो कल की क्लास में हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिक है इसको री यूज़ किया जा सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पहले थी इसकी वही बनी बल्कि इसे कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं तो ये जो रिसाइकलिंग करना है ये आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है नामुमकिन भी नहीं है तो इसलिए बच्चों कल हमने यही पढ़ा कि ये जो वेस्टस हैं इनको हम री कर सकते हैं और साथ में हमने ये पढ़ा कि ये जो पॉलिथीनस हैं पॉलिथीन बैग्स हैं तो इनका इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल है यानी अगर 500 साल भी हम इनको किसी गड़े में खोद के रखें और फिर हम इनको निकालें तो ये पोलोथीन बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे हमने ये गड्ढे में गाड़े थे तो इस लिहाज से हमने ये भी कल पढ़ा कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ की मांग करते हैं कि कपड़े और कागज़ के बैग इस्तेमाल किए जाएं और जो ये प्लास्टिक है और इसका इस्तेमाल बहुत कम से कम किया जाए चलो ख़ैर प्लास्टिक को रीयूज भी किया जा सकता है लेकिन ये जो पॉलोथीन बैग्स हैं तो इनका बहुत ही नुकसान है जैसे कि कल हमने पढ़ा इनसे फिर कुछ वो जहरीले असरात निकलते हैं फिर वो पानी में भी घुल जाते हैं मिट्टी में भी मिल जाते हैं तो इसलिए प्यारे बच्चों हमने चाहिए कि हमने बहुत कम से कम पॉलोथीन का इस्तेमाल करना है बजाय उसके कि हमने एक तो कागज़ के बैग इस्तेमाल करने हैं और उसके साथ साथ कपड़े के तो चलिए बच्चों आज हम पेज नंबर सेवेंटी टू पर आए और यहाँ से आज हमने पढ़ना है ऊपर से पहली लाइन जो आपको दिख रही है मेटल इज़ द मोस्ट इम्पार्टेंट प्रोडक्ट दैट कैन बी द इजली दैट ऑन आर ए कार ऑन द रोड विल कंसिस्ट पार्शली ऑफ इजियर अलियर बीन है एंड इन न्यू अदर मटेरियल मेटल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट दैट कैन भी रिसाइकल इजली ये जो देहात है ये बहुत ही अहम चीज़ है कि जिसको दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है यानी कि यह ऐसी अहम चीज़ है कि इसको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है आसानी से दार दैट आर अ कार ऑन द रोड विल कर कार्ज दैट है मटीरियल आज की नए कारें पुरानी कारों की रद्दी हिस्सों से बनाई जा रही हैं यानी कि आप देखते हैं हमारी जो पुरानी कार है वो हम बेच डालते हैं तो इसको फिर इसकी मरम्मत करके यानी कि इसका कुछ हिस्सा पार्शली जो हम नई कार लेते हैं उसमें भी होता है यानी इसको रियूज किया जाता है इन इंडिया एफर्ट्स आर ऑन द रीयूटिलाइज एंड रिसाइकल द वेस्ट थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एन ई आर आई एट नागपुर इज़ आल्सो इन्वाल्व And developing suitable technologies for the treatment of waste water and utilization of domestic and industrial waste water in agriculture after purifying it. a purifying plant in Gujarat is able to treat 450,000 liters of water daily and generating energy equal to that produced by. 10 tonnes of coal but this is not enough fast rate but our resources especially the natural resources are very limited we cannot afford to waste our resources when there are means and methods available to reuse them recycling the waste material is only Save money is not only save money but also helps the environment. Do you know the three R's of the modern world? These are reduce, meaning let's minimize our waste outputters reuse, don't simply use the throw, use and throw, reuse whatever you can. Recycle things like paper, plastic, glass, metal, etc., should be recycled, converted to fresh, raw material. So in recycling, we will be saving our lives from the from the hardest of population. It would also mean सेविंग आवर वेलेबल रिसोर्स हजार इन इंडिया एफर्ट्स आर नॉट और ऑन द रीयूटिलाइज एंड रिसाइकलिंग द वेट थ्रो द ट्रीटमेंट प्लांट इन मैनी पार्ट ऑफ दंट्री दुनिया के बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में इंडिया की बहुत सारी यानी कि हिस्सों में ये कोशिश की जाती है कि जो वेस्टेज हैं इनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए रिसाइकल किया जाए और इनकी ट्रीटमेंट करने के बाद यानी इनके इलाज करने के बाद यानी इनको फिर दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाए द नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्चिज रिसर्च इंस्टीट्यूट एन ई आर एट नागपुर इज़ आल्सो इनवाल्विंग डेवलपिंग सूटेबल टेक्नोलॉजीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ़ द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट वाटर इन एग्रीकल्चर आफ्टर प्योरीफाइंग इट तो नागपुर की जो टेक्नोलॉजी है डेवलोप ये इस चीज़ की कोशिश कर रही है कि जो वेस्टेज हैं उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए और फिर इनको दोबारा इस्तेमाल किया जाए उसके साथ साथ जो ये पानी है और पानी को पानी को जब हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं यह पानी हर हमारी जरूरत को पूरा करता है तो इसको प्यूरीफाई किया जाए और प्यूरीफाइंग प्लांट इन गुजरात इज़ एबल टू ट्रीट फाइव फोर हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर डेली एंड जनरेट एनर्जी इक्वल टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय टेन टनस ऑफ कोल तो हमारा जो प्योरीफाइंग प्लांट जो गुजरात में है ये इसके काबल है कि वो कितने ट्रीट कर सकता है 450 लीटर वाटर जो है डेली और कितनी ये एनर्जी पैदा कर सकता है किसके बराबर बाय 10 टन ऑफ कोल बट दिस नॉट एनू लेकिन ये काफ़ी नहीं है देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट वी डू नॉट यूज़ इट यहाँ बहुत सारा वेस्ट है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल अभी तक नहीं करते हैं और पापोलेशन इज़ ग्रोइंग एट ए फास्ट रेट बट आवर रिसोर्स दी देशर रिसोर्स आर वेरी लिमिटेड हमारी जो ये पापोलेशन है ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और हमारे जो रिसोर्स हैं ख़ास तौर से जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये बहुत ही कम हैं वी कै नाट एफर्ड टू वेस्ट आवर रिसोर्स वन दियर आर मीनज एंड मेथड्स एवेलेबल टू डी यूज़ देम तो हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं कि हम ये जो हम तो रिसोर्स को एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम इनको दोबारा री यूज़ कर सकते हैं रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल नॉट ऑनली सेव द मनी बट आल्सो हेल्प इज़ द एनवायरनमेंट। ये जो हम रिसाइकल करते हैं इनका हाल ही ये फ़ायदा नहीं है कि हमें पैसा मिल जाए लेकिन आल्सो हेल्प इज़ द एनवायरनमेंट। तो ये माहौल की मदद करता है इससे माहौल ठीक ठाक रहता है Do you know the three R's of the modern world? क्या आप जानते हैं कि जो modern world के ये three तीन R's हैं These are वो ये हैं reduce, meaning let us minimize our waste output, output. Reduce meaning जिसका reduce mean इसका मतलब है चलो हमारे जो ये पैदावार है ये वेस्टेज की पैदावार है यह हम मिनिमाइज करते हैं कम से कम करते हैं यानी कि हम इस कम से कम वेस्ट निकालें यानी कि हमसे कोई भी चीज़ कम वेस्ट हो इसका कचरा कम बने रीयूज़ डोंट सिंपली यूज़ एंड थ्रो री यूज़ वट एवर यू कैन डोंट सिंपली यूज़ एंड थ्रो आप ऐसा मत करें कि ये थोड़ा सा इस्तेमाल करें और फेंक दें और जो भी चीज़ है जो भी हो सके हम इसको दोबारा इस्तेमाल में लाएँ रिसाइकल थिंग्स लाइक पेपर प्लास्टिक ग्लास मेटल एट्सिट्रा शुड ऑल बी रिसाइकल्ड और रिसाइकल चीज़ें जिस तरह के पेपर है प्लास्टिक है ग्लास है मेटल है वगैरह शुड आल्सो बी रिसाइकलड तो इनको भी रिसाइकलड किया जाए कन्वर्टेड टू फ्रेश न्यू मटेरियल तो इनको कन्वर्ट करके इनको तब्दील करके किस में नई चीज़ें में सो इन रिसाइकलिंग वी विल बी सेविंग अवर लाइव फ्राम ऑफ़ पॉपुलेशन इट वुड आल्सो मीन सेविंग अवर अवेलेबल रिसोर्स तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो रिसाइकलिंग है तो इससे हमारी जो ज़िंदगी है वो सेव होगी तो इट विल आल्सो मीन सेविंग और अवेलेबल रिसोर्स और इसका मतलब यह है कि हम जो जो हमारे अवेलेबल ये मुख्तसर जो रिसोर्स हों इनको हम सेव करें इनको हम सेव करें तो हमारे कुदरती जराए महदूद हैं हमें इनका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए और आलूदगी से बचना चाहिए तो प्यारे बच्चों और हम ऐसा ही करेंगे वाकई तो हमें फ़ायदा मिलेगा हमारा माहौल भी अच्छा रहेगा हम ख़ुद भी अच्छे रहेंगे तो ऐसा करने से अपना भी फ़ायदा है और अपने देश का भी फ़ायदा है तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही और कल इंशाल्लाह कल की क्लास में हमारी फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज